हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। ओके, आज का हमारा प्रोग्राम है के प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेडेड टू फ़ारेनहाइट। ओके, वो प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। तो प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री डिग्री सेंटीग्रेटेड यानी कि सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस। ओके, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ओके, वो प्रोग्राम हम आज देखने वाले हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट? तो आप जो मैथमेटिक्स यानी कि आप जब आपको फीवर आता है, ओके, तो उसके लिए जो हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, ओके, तो वो थर्मोमीटर में आपको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों ही होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको फीवर कितना है। ओके, तो सिंपली फॉर्मूला है कि मैं सेल्सियस का सी इज इक्वल टू 37 लेती हूँ, उसमें मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है। ओके, जो मेरा सेल्सियस है वो मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करती हूँ, तो उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ओके, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, तो एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। ओके, ये जो 1.8 फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है, उसके बाद जो सेल्सियस आपको, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सेल्सियस 37 लिया हुआ है, तो वो मुझे कन्वर्ट करना है और प्लस 32 लिखूंगी, उसका जो भी आंसर मुझे मिलेगा वो आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा, इसका प्रोग्राम है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो इंक्लूड स्टडियो डॉट एच इंक्लूड कोनायो डॉट एच। ओके, ये हमारा क्या हुआ, हेडर सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा वॉइड मेन। ओके, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, जिसमें हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन लिखेंगे, यानी कि जो हमें जो डेफिनेशन दी हुई है प्रोग्राम की, उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल डालते हैं। तो वो जो फ़ारेनहाइट का आंसर है, वो फ़ारेनहाइट का आंसर मुझे पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लॉट लूँगी सी यानी कि सेल्सियस का सी एंड फ़ारेनहाइट का एफ मैंने लिया हुआ है। एंटर, क्लियर स्क्रीन, एंटर, फिर प्रिंट एफ, एंटर, टेम्परेचर इन, जो हम थर्मोमीटर होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो हम पहले सेल्सियस में लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ उसका स्पेलिंग में लिखूंगी सेंटीग्रेड। ओके, फिर आउटपुट के लिए उसे मुझे स्कैनअप करना होगा। ओके, तो परसेंटेज मैंने फ्लॉट वैल्यू ली हुई, इसलिए एफ, कंप्लीट सेल्सियस है तो एंड सी। फिर जो मैंने फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है मैंने बताया था एफ 1.8, वो मैं डालूंगी इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन
सी, यानी कि जो फेरन है, जो सेल्सियस का जो आप पर लेते हो, जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में जो मिलता है वो लिखना होता है, ठीक है, प्लस 32, ओके कंप्लीट। फिर उसे मुझे प्रिंट अप करना होगा, तो प्रिंट अप टेम्परेचर इन फेरन फेरन हीट, ओके इज इक्वल टू, फ्लॉट वैल्यू ली हुई है इसलिए एफ, डबल कोटेशन कंप्लीट एंड एफ, फेरन हीट का एफ, ओके सेमी कॉलोन, गेट सी एच, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओके उसे हम रन करवाते हैं, कुछ भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो सेल्सियस था वो मैंने कितना लिया है, 32 डालती हूँ, तो मुझे उसका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कितना बताएगा, 89, ओके। इसे सेव करने के लिए सेल्सियस डॉट सी पी, ओके एंटर, ओके ये हमारा प्रोग्राम था। सिंपल ही कोडिंग सिंपल है, सिर्फ आपको जो ए फेरनहीट की ये जो फॉर्मूला है वो ही याद रखनी है, और वो कब डालनी है वो याद रखनी है। तो ये फॉर्मूला है 1.8, और सेल्सियस अगर आप 32 लेते हो या 37 लेते हो, ये जो भी डालो वो 1.8 मल्टीप्लीकेशन 32 डालते हो तो वो मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वो प्लस 32 का जो टोटल होगा वो आपको आउटपुट स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा फेरनहाइट का प्रोग्राम हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोग्राम टू शो स्वीप टू नंबर विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ओके हम जो दो नंबर लेने वाले हैं वो विथआउट थर्ड जो वेरिएबल है उसके उसका यूज किए बिना हम थर्ड जो थर्ड वेरिएबल ढूंढने वाले हैं वो प्रोग्राम करेंगे।